नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र रविवार को अपनी पत्नी यानी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के सपोर्ट में चुनावी रैली को संबोधित करने मथुरा पहुंचे। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हेमा मालिनी लोकसभा चुनाव 2019 में मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी है। धर्मेंद्र मुंबई से खास हेमा को सपोर्ट करने के लिए मथुरा पहुंचे थे। इस बीच चुनावी जनसभा में धर्मेंद्र ने फिल्मी स्टाइल में हेमा के लिए वोट की अपील की। धर्मेंद्र ने फिल्म शोले के वीरू के अंदाज में चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा कि धर्मेंद्र ने गांव वालों से अपनी बसंती के लिए वोट अपील करते हुए कहा कि गांव वालों, अगर आपने हेमा मालिनी को अच्छे वोटों से नहीं जिताया तो इस गांव में जो टंकी है ना, मैं उस पर चढ़ जाऊंगा। धर्मेंद्र के डायलॉग सुनने के बाद पूरी जनसभा तालियों से गूंज उठी। धर्मेंद्र ने कहा कि पंजाब में असम तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक बुजुर्ग व जवान भारत देश को अपनी माँ समझे और भारत देश की उन्नति के लिए जी जान से मेहनत करे। हम भारत को माँ कहते हैं, माँ समझना भी शुरू कर दो दोस्तों। जिस पर आपकी माँ की तरफ कोई उंगली उठाकर देखे तो उसकी आँख फोड़ देंगे आप। धर्मेंद्र ने एक मीडिया से खास बातचीत में कहा कि मैं एक किसान हूं, मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगता है। राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं भारत के अवाम के मंच पर आया हूं, अपनों से बात करना हमेशा अच्छा लगता है। हेमा मालिनी के चुनाव में जीत हार के सवाल पर धर्मेंद्र ने कहा कि हेमा सांसद बनने वाली नहीं, बन गई है। मैं यहां उनके प्रचार के लिए आया हूं। जब भी कोई काम नेक दिल से किया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है और हेमा ने भी वही किया है। आपको बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र के मथुरा आने से खुश हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर एक खास तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने बीते दिनों एक ऑडियो क्लिप जारी कर अपनी पत्नी हेमा मालिनी के लिए मथुरा के लोगों से उन्हें वोट करने की अपील भी की थी। ऑडियो फिल्मों में अपनी फिल्मी नामों के जरिए उन्होंने मथुरा के मतदाताओं से हेमा मालिनी को रिकॉर्ड जीत दिलाने की गुजारिश भी की थी। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हेमा मालिनी चुनावी मैदान में जीत दर्ज करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। बीते दिनों हेमा मालिनी की मथुरा के खेतों में गेहूं काटते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। प्रचार करते वक्त हेमा मालिनी मथुरा के खेतों में चली गई थी और वहां मौजूद लोगों के साथ गेहूं काटती भी दिखी थी। मथुरा में हेमा मालिनी को इस बार महागठबंधन से कड़ी चुनौती मिल रही है, तो वहीं SP BSP और RLD ने इस सीट से कुंवर नरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में दर्शक हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के दिए गए फिल्मी डायलॉग के अंदाज में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।